अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे कुचायकोट जदयू के विधायक हैं और गोपालगंज में जनता मेगा सम्मान को संबोधित कर रहे थे। इस दरमियान उन्होंने जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। जनता को बहुत प्यार करते अमरेंद्र पांडे, इसलिए जनता उन्हें भी बहुत प्यार देती है, तभी तो विधायक बने। तो सुनिए अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे विधायक जी यहाँ की जनता को क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से जनता को दिया है ये बड़ा तोहफा। सबसे पहले आप लोग बताइए, जो भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, आप लोग भोजन किए हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताइए भोजन हुआ है कि नहीं? सबका भोजन हो गया है? वो आप लोगों को कार्ड मिला है कि नहीं? कार्ड देखिए, कार्ड मैं इसलिए देता हूं कि अगर आपकी कोई अगर आवश्यकता पड़ती है, कोई जरूरत पड़ती है कि हमको विधायक से बात करना है, इसलिए कि हम लोग का क्षेत्र के यहाँ से दूरी लगभग 30-35 किलोमीटर पड़ जाता है और कोई वहां से अगर आता है और वापस चला जाता है तो इसके लिए मुझे बहुत दर्द होता है। मैं इसीलिए आप लोग को सब आदमी को कार्ड उपलब्ध करवाया हूँ कि कोई अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप फोन कर लेंगे, उसमें 4-5 नंबर है, फोन कर लेंगे कि हाँ विधायक जी है कि नहीं है। अगर हम हैं तो आइए और जो भी समस्या होगा उसका हम लोग बैठ के समाधान करेंगे। कोई भी काम हो आप डायरेक्ट आइए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर है, तुरंत बात करिए। चाहे सरकारी स्तर से व्यवस्था हो, चाहे निजी स्तर से सहयोग हो, मैं तैयार हूँ, इसीलिए आप लोगों को मैं कार्ड दिया हूँ। चलिए, आप लोगों ने अपना इस कड़ाके के ठंड में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज इस सम्मान समारोह में आए हुए हमारे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के पंचायत राज मंगहिया, पंचायत राज सेमरा, पंचायत राज सुनोहला गोपुर, पंचायत राज विक्रमपुर और इस माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों तथा बच्चों बच्चियों को मेरा सादर प्रणाम है। इसके अलावे इन पंचायतों से जो भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, मुखिया, वार्ड अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जो भी सुरक्षा कर्मी हैं, व्यवस्थापक हैं, गायकार हैं और इस मंच के संचालन कर रहे जनाब फारूक जी और इस व्यवस्था को सुचारू रूप देने का काम करने वाले हमारे भतीजे और जिला परिषद अध्यक्ष श्री मुकेश पांडे जी, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इससे पहले भी सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया था, जिसमें जो भी हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको वो छूट गए थे, हमसे भूल हो गई थी, केवल हम नौजवान साथी, माताएं, बहने और बुजुर्गों का ही सम्मान समारोह किए थे। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं, जो बच्चे हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं, वो इतिहास लिखते हैं, इतिहास बनाने का काम करते हैं, तो मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, बच्चियों को नहीं छोड़ूंगा जो इस देश को दिशा और दशा निर्देश देने का काम करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कपड़ा और भोजन बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम किसी के दरवाजे पे कपड़ा और भोजन के लिए नहीं जाते हैं, चाहे विधायक जी हो, चाहे कोई प्रतिनिधि हो या कोई आम जनता हो, हम लोग प्रेम और श्रद्धा से किसी के दरवाजे पे जाते हैं। अगर हमें प्रेम नहीं मिलेगा, श्रद्धा नहीं मिलेगा, तो हम उसके दरवाजे पे कभी पैर भी नहीं रख सकते हैं। यह मेरा असूल है और मेरे जनता का भी यही असूल है कि हम यहाँ आप लोगों को भोजन करा के और वस्त्र दे करके आप लोगों को सम्मानित करने का काम करते हैं, इज्जत देने का काम करते हैं, कि इसलिए कि आप लोगों ने जो मुझे सम्मान देने का काम किया, जो मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया, यह मेरा पूरा परिवार कभी इसको भूल नहीं सकता। आज पूरे बिहार में
हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पूरे बिहार को बदलने का काम किया, विकास करने का काम किया, यह छुपा हुआ नहीं है। इसकी चर्चा केवल बिहार में नहीं होती है, भारत में नहीं होती है, बल्कि पूरी दुनिया में होती है कि नीतीश कुमार ने इस बिहार को बदलने का काम किया, बल्कि दौड़ाने का काम किया है। इसलिए 2005 के पहले क्या सरकार था, वो क्या करते थे वे लोग, यह बताने की जरूरत नहीं है, यह छुपा हुआ नहीं है। 5 बजे के बाद से लोग घर से नहीं निकलते थे, इसलिए नहीं निकलते थे कि जाने के बाद वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस बिहार को बदल करके पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिए कि आज बिहार के लोग रात भर घूमते हैं, रात भर देवता करते हैं। योजना देख लीजिए, चाहे पिच सड़क की बात हो, चाहे पुल की बात हो, पुलिया की बात हो, शिक्षा की बात हो, हम शिक्षा पर आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। पहले जब हम लोग 2005 के पहले विद्यालय में जाते थे तो वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं था, ऊपर छत के लिए कोई जगह नहीं था, हम लोग वृक्ष के नीचे बैठते थे और अपने हाथों से पत्ता बीन करके बोरा बिछा के बैठने का काम करते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने इतना पैसा दे दिया, इतना भवन बना दिया कि आज हमारे पास जगह की कमी हो गई है कि अब कहाँ बनेगा भवन। तो हम लोग 2 मंजिल 3 मंजिल बनाने का काम करते हैं, बच्चों को साइकिल दी जाती है, बच्चों को वस्त्र दिया जाता है, यह सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। आज इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मुझे और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अब हम कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिपाही में हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे और यही उनकी पढ़ाई होगी, यही उनकी शिक्षा मिलेगा। हम लोग के बच्चे पहले बाहर जाते थे, लेकिन आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री ने इस जिले में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया तो वह कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में खोलने का काम किया, यह बहुत गर्व की बात है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि यह सुंदर समाज इसलिए सुंदर समाज है कि हम अपने बुजुर्गों को सम्मान देना जानते हैं, माताओं को इज्जत देना जानते हैं, बहन की रक्षा करना जानते हैं, बच्चों को परवरिश देना जानते हैं, इसलिए हमारा समाज सुंदर समाज है। हमारे जो भी साथी हैं, हमारे साथ में जो भी रहने वाले लोग हैं, हम उनको अच्छा शिक्षा देने का काम करते हैं, अच्छा बुद्धि देने का काम करते हैं कि आप किसी से झगड़ा मत करिए, किसी से लफड़ा मत करिए, इसलिए कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है। इसके पहले बहुत से मुख्यमंत्री आए और बहुत से लोग चले गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को बदलने का काम किया, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, सब लोग जानते हैं। आज शराबबंदी जैसी व्यवस्था, पहले लोग शराब पी करके जाते थे तो झगड़ा करते थे, शादी विवाह में मारामारी करते थे, अगर वहां से बच करके आए तो परिवार में कलह मचाते थे, माताओं के साथ झगड़ा करते थे, बहन के साथ झगड़ा करते थे, पिताजी के साथ झगड़ा करते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने शराब को बंद किया, शराब बंद कर दिया तो आज उस पैसे से बच्चे की दवा आती है, घर में सब्जियां आती है, यह मुख्यमंत्री जी का देन है। आज शराब बंद हो गया, कहाँ कोई लपड़ा है, अब कोई पीता है चुरा करके लुका करके, भाई तो पीते रहे, अब किसी का कोई प्रशासन चाहे मुख्यमंत्री चाहे कोई नेता उसका मुंह तो बंद करेगा नहीं। बगल में आपका उत्तर प्रदेश है, उधर झारखंड है, सब जगह शराब चल रहा है, तो वहां से लोग मंगा कर पी लेते हैं, लेकिन पीने के बाद भी उसको नशा नहीं होती है। इसलिए नशा नहीं होती है कि अगर किसी को पता लगा, अगर कोई फोन कर दिया तो तुरंत पुलिस जाएगी और उसे पकड़ करके जेल भेजने का काम करेगी, उस पर स्पीडी ट्रायल होगा, उसकी सजा होगी, इसलिए अब शराब से बहुत लोग डरते हैं। तो देखा आपने, कुचायकोट से जदयू विधायक हैं और इन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं और खुद को किसान का बेटा भी कहते, किसान के जो लोग बेटे हैं वो जरूर जमीनी स्तर को समझते होंगे। अमरेंद्र पांडे इस चीज को बखूबी समझते हैं, इसलिए जनता के नस नस को पहचानते हैं, जनता को कह रहे हैं कि ठंड में कंबल भी देंगे, सब कुछ करेंगे, बस यकीन जताइए, प्यार दीजिए, हम आपके लिए जान लुटा देंगे, जान निछावर तक करने की बात कर रहे हैं अमरेंद्र पांडे। कहते हैं कि जमीनी स्तर पर ही जनता को प्यार से बांधा जा सकता है, क्योंकि जब तक आप किसी को कुछ देंगे नहीं तब तक आप कुछ प्राप्त करने का कैसे सोच सकते हैं, ऐसी ऊंची सोच है अमरेंद्र पांडे की। तो देखते हैं जदयू में इस बार क्या वहां पर जनता एक बार फिर से विश्वास जताती है, अमरेंद्र पांडे उफ पप्पू को अपना प्यार देती है।
ढेर सारी प्रतिक्रिया दीजिए, ढेर सारे सुझाव दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।